हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटो एडिटिंग। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको इस टाइप के क्रिएटिव शार्ट कंसेप्ट की फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। अगर गाइस आप एडिटिंग को बना लिया तो हर कोई पूछेगा, भाई एडिटिंग को तू कैसे किया? तो गाइस आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आपको फोटो क्लिक करना है एंड कैसे आपको एडिटिंग भी करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बना है एंड कैसे आपको ऐसे ही न्यू ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो विदाउट एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गैसे एडिटिंग बनाने के लिए आपको दो पोज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको इस तरह से शार्ट को पकड़ते हुए फोटो क्लिक कर देना है एंड गैस आपको सेकंड में आपको इस तरह से फेस को कैप्चर करके फोटो क्लिक कर देना है एंड गैस आपको बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं हेयर को अच्छी तरह से डिटेट करके इरेज कर दिया हूँ। अगर गैस आपको ये सीक्रेट ट्रिक नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बता देना, इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और गैसे ये बात को साइड में रखते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गैस आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला पिक को आपको शेयर कर देना पिक सेट आपके अंदर। तो यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। तो गैस हमारे जो पीक यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब गैस आपको यहाँ पर क्या करना है, आठ फोटो जा करके यहाँ पर शार्ट के ऊपर आपको क्या करना है, सेकंड पीक को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हेड को अटैच करेंगे शार्ट के ऊपर। तो पहले आपको क्या करना है, आठ फोटो चलने। तो आपको इस तरह से आपको स्वाइप करना है और गैस आपको आठ फोटो का ऑप्शन यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये रहा आठ फोटो का ऑप्शन, यहाँ पर आठ फोटो क्लिक करना है एंड गैस आपको सेकंड पीक को यहाँ पर ऐड करना है, जो हेड पीक को। इस तरह से आपको बैकग्राउंड को पहले से ही रिमूव कर देना है और गैस आपको यहाँ पर ऐड करके आपको कैसे ऐड करना है यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, अपनी हेड जो हेड के हिसाब से आपको पहले वाला हेड के हिसाब से आपको इस तरह से यहाँ पर मैचिंग कर लेना है, हेड की जो साइज को इस तरह से मैचिंग कर लेना है एंड गैस आपको यहाँ पर आपको अटैच कर लेना है इस तरह से। और गैस आपको कहना है यहाँ पर शार्ट के ऊपर इस तरह से अपने हिसाब से फिट कर लेना है और गैस आपको ओपेसिटी को यहाँ पर कम कर देना है और भी आसान हो जाएगा। इस तरह से आपको कम कर लेना है, यहाँ पर कम आपको ज़्यादा नहीं यहाँ पर आपको रखना है, यहाँ पर 75 के आसपास रखना है। तो गैस आपको इस तरह से रख करके आपको कहना है यहाँ पर आपको हेड को इस तरह से आपको हल्का से यहाँ पर रोटेट करके इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो गैस यहाँ पर इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना, बताओ यहाँ पर थोड़ा बड़ा करूँगा और यहाँ पर आपको एडजस्ट करना, बताओ क्या करना है, यहाँ पर इरेज करना है जो बच्चे को जो पार्ट को आपको इरेज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इरेज पर क्लिक करना है। तो ये रहा इरेज का ऑप्शन, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इरेज का ऑप्शन, यहाँ पर इरेज पर क्लिक करना है एंड गैस आपको बच्चे को जो पार्ट को इस तरह से इरेज करना है। तो पहले आपको हार्डनेस को इस तरह से 100 करके आपको हल्का सा कम कर देना है, यहाँ पर आपको 97 रखना है एंड गैस आपको साइज को भी आपको कम करके आपको 20 के आसपास रखना है और गैस आपको इस तरह से जूम करके आपको इरेज कर लेना है। तो गैस आपको इस तरह से इरेज करना है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। तो गैस यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरह से इरेज कर चुका हूँ, आपको मेरी तरह ही आपको यहाँ पर इस तरह से इरेज करना है, आपको शार्ट की कर्नर की तरफ आपको इस तरह से इरेज कर लेना है एंड गैस आपको क्या है, यहाँ पर अगर डन कर रहे हैं तो यहाँ पर डन करके बैक चलना है एंड गैस आपको ओपेसिटी को इस तरह से 100 कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ठीक से आपको एडजस्ट कर लेना है, आपको इस तरह से हेड को इस तरह से फिट कर लेना है एंड गैस आपको कहना है, यहाँ पर आपको देख सकते हो जो पहले वाला मॉडल की जो हेयर की कलर है और सेकंड वाला मॉडल की जो हेयर की कलर थोड़ा मैचिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं जो सेकंड वाला मॉडल की जो हेयर की कलर थोड़ा चेंज करूँगा, तो आपको एडजस्ट पर चलना है। अगर फेड है तो, अगर आपकी हेयर की कलर फेड है तो यहाँ पर आपको एडजस्ट पर चलना है। इस तरह से आपको यहाँ पर ये रहा एडजस्ट का ऑप्शन, यहाँ पर एडजस्ट पर क्लिक करना है एंड गैस आपको कहना है, यहाँ पर आपको जो कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करिए, कॉन्ट्रास्ट को जो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा प्लस कर देना है। तो प्लस की साइड पर इस तरह से ले जाना है, तो यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक हो चुकी है। अब गैस आपको 20 यहाँ पर 42 रखना है एंड गैस आपको कहना है यहाँ पर आपको क्लैरिटी को भी थोड़ा प्लस कर देना है इस तरह से। तो क्लैरिटी को मैं रखूँगा यहाँ पर 24 रखूँगा और गैस आपको सैचुरेशन पर क्लिक करके सैचुरेशन को यहाँ पर माइनस ही रखूँगा। तो माइनस ही मेरे ज़्यादा नहीं, आपको 7 के आसपास रहना है एंड गैस आपको यहाँ पर डन पर क्लिक करके यहाँ पर बैक चलना है। तो गैस आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से आपको डन कर दें। तो गैस और भी ज़्यादा रियलिस्टिक देने के लिए आपको क्या है, यहाँ पर आपको जो शार्ट और यहाँ पर जो हमारी जो हेड हेड के बीच में आपको क्या है, हल्का का सा शैडो अप लगाना है। तो शैडो अप लगाने के लिए आपको यहाँ पर 8 फुट चलना है। तो ये रहा 8 फुट, सॉरी 8 फुट नहीं, यहाँ पर ड्रॉ टूल पर चलना है। तो ये रहा ड्रॉ टूल, आपको ड्रॉ टूल पर चलना है एंड गैस आपको ड्रॉ टूल पर जाकर के यहाँ पर ड्रॉ को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ टूल पर ओपन हो चुकी है, आपको भी इस तरह से ओपन करना है और यहाँ पर आपको पूरी तरह आपको कलर्स का ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ पर कलर्स पर क्लिक करना है, तो कलर्स पर आपको क्या करना है, कलर्स पर क्लिक करके यहाँ पर ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर देना है और गैस आपको डन पर क्लिक करना है। और गैस आपको यहाँ पर ब्रश पर क्लिक करना है, यहाँ पर ब्रश पर क्लिक करके यहाँ पर ब्रश की जो अमाउंट को यहाँ पर हार्डनेस को 0 ही रखना है इस तरह से, यहाँ पर 0 रखना है और गैस आपको कहना है यहाँ पर जो साइज ओपेसिटी को, ओपेसिटी 100 करना है इस तरह से और जो साइज को इस तरह से आपको यहाँ पर डाउन ही रखना है, तो डाउन आपको रखना है 20 के आसपास और गैस आपको सेट पर क्लिक करके इस तरह से जूम करना है, जूम करके आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आपको शार्ड और हेड के बीच इस तरह से आपको कर्नर की तरह आपको इस तरह से ड्रॉ करके मेरी तरह आपको पूरी ड्रॉ कर देना है इस तरह से। और गैसे आपको कहना है यहाँ पर डन, यहाँ पर डन नहीं करना है, आपको कहना है यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। तो ये रहा लेयर का ऑप्शन, यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है एंड गैस आपको ओपेसिटी हल्का सा यहाँ पर कम कर देना है। तो आपको नीचे मिलेगा ओपेसिटी, आपको ओपेसिटी को इस तरह से कम करके यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ कम कर देना है। तो यहाँ पर मैं 80 के आसपास, सॉरी 8 नहीं, यहाँ पर 10 के आसपास रखता हूँ। अब देखते हैं कैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दूंगा, इतना ठीक है। यहाँ पर आपको 20 के आसपास रखना है एंड गैस आपको कहना है यहाँ पर आपको डिस्कार्ड कर देना है इमेज को। तो इस तरह से आपको डन पर क्लिक करके यहाँ पर डिस्कार्ड कर देना है इमेज को।
तो गैस यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारे जो हेड फिट हो चुकी है। अब गैस आपको थोड़ा लाइट पर जा करके कलर ग्राइंडिंग करना, तो कलर ग्राइंडिंग करने के बाद हमारी जो एडिटिंग और ज्यादा रियलिस्ट लिया है। तो पहले आपको क्या है इमेज को यहाँ पर सेव करना है, तो सेव करने के लिए लेफ्ट इधर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करिए, इमेज को कर लेना है सेव। सेव करना है लाइट रूम इनपुट कर देना है कलर करेक्शन के लिए। तो गैस सबसे पहले आपको लाइट रूम आपको ओपन करना है, एंड गैस को सबसे पहले आपको क्या है यहाँ पर इमेज को इनपुट करना पड़ेगा। तो आपको आर्ट फोटो क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या है इस तरह से इमेज को सिलेक्ट करना है, एंड गैस आपको आर्ट पर क्लिक करके इनपुट कर देना है, और गैस आपको ऑल फोटो क्लिक करना है यहाँ पर आपको क्या है इमेज को इस तरह से सिलेक्ट करना है। तो गैस आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको दोनों जो फेस को यहाँ पर मैचिंग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो सेकंड वाला मॉडल हमारे जो सेकंड वाला हेड थोड़ा यहाँ पर आपको ब्लैक टोन नजर आएगा फेस के ऊपर, तो यहाँ पर कम करेंगे तो यहाँ पर व्हाइट टोन करेंगे। तो आपको क्या है यहाँ पर आपको सर्कल टूल पर क्लिक करें, तो ये रहा सर्कल टूल आपको ऊपर मिलेगा, आपको सर्कल टूल मेरे सर्कल टूल पर क्लिक करें, एंड गैस आपको इस तरह से जूम करना है, और यहाँ पर क्या है प्लस आइकन पर क्लिक करें, तो ये रहा प्लस आइकन, यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करें, एंड गैस आपको कहना है यहाँ पर आपको फिर से आपको यहाँ पर बीच का ऑप्शन यहाँ पर सर्कल टूल पर फिर से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सर्कल टूल पर सिलेक्ट करके आपको क्या है फेस को इस तरह से आपको यहाँ पर आपको इस तरह से आप जो को एडजस्ट करना है, और गैस आपको कहना है ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है, तो ये रहा ब्राइटनेस टूल आपको ऊपर मिलेगा, वो ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है, एंड गैस आपको एक्सपोजर को यहाँ पर एक बार प्लस कर दें, और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को भी एक बार प्लस कर दें, और गैस आपको हाईलाइट्स को यहाँ पर हाईलाइट्स को प्लस ही रखना है, तो प्लस आपको 21 रखना है, और गैस आपको शैडोज को भी प्लस ही रखना है, तो प्लस प्लस आपको ज़्यादा नहीं यहाँ पर 17 रखना है, एंड गैस आपको व्हाइट्स को भी प्लस ही रखना है, आपको यहाँ पर ब्लैक को हल्का सा माइनस करना है, तो माइनस आपको ज़्यादा नहीं यहाँ पर आपको 4 रखना है, और गैस आपको यहाँ पर कलर्स टूल पर क्लिक करें, तो ये रहा कलर्स टूल, आपको कलर्स पर क्लिक करके यहाँ पर फेस के जो कलर को भी मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको हल्का सा यहाँ पर प्लस ही रखना है, तो प्लस आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं आपको यहाँ पर आपको 7 सॉरी यहाँ पर 5 भी रखना है, एंड गैस आपको 10 को यहाँ पर प्लस ही रखना है, तो प्लस आपको 8 रखना है, एंड गैस आपको सेचुरेशन को प्लस आपको 15 रखना है, एंड गैस आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो यहाँ पर डन करके बैक चलें, एंड गैस आपको थोड़ा कलर फिट करेंगे, तो बैकग्राउंड को थोड़ा यहाँ पर कलर फिट करेंगे, तो बैकग्राउंड को कलर फिट करने के लिए आपको कलर टूल पर क्लिक करना है, तो ये रहा कलर टूल, आपको कलर टूल पर क्लिक करना है, एंड गैस आपको कलर टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है ऊपर मिलेगा एक सर्कल टूल, आपको फिर से आपको सर्कल टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको ग्रीन कलर पर पहले आपको ग्रीन कलर पर क्लिक करें, और गैस आपको ग्रीन कलर की जो हुई को 100 प्लस कर देना है, सॉरी 100 माइनस कर देना है हुई को, और सेचुरेशन को भी 100 माइनस कर देना है, और गैस आपको येलो येलो पर क्लिक करें, और यहाँ सेचुरेशन को भी 100 माइनस कर देना है, और गैस आपको यहाँ पर आपको क्या करना है सेकंड कलर पर क्लिक करें, और लुमिनस को इस तरह से प्लस करें ताकि फेस ज़्यादा गोरा हो सके, इस तरह से प्लस करें, और यहाँ पर क्या करना है सेचुरेशन को 2 बार प्लस कर देना है, यहाँ पर आपको सॉरी प्लस ही रखना है सेचुरेशन को, और गैस आपको पहला कलर पर क्लिक करें, पहले कलर की सेचुरेशन हल्का सा प्लस करें तो ज़्यादा नहीं आपको यहाँ पर आपको 10 के आसपास रखना है, तो यहाँ पर मैं 11 रखता हूँ, एंड गैस आपको ब्लू कलर पर क्लिक करें, ब्लू कलर की जो हुई को यहाँ पर आपको चेंज कर सकते हो, तो आपकी शर्ट का कलर अगर ब्लू है तो यहाँ पर ब्लू कलर को मैं कुछ नहीं करूँगा, तो यहाँ पर मैं माइनस ही रखता हूँ, एंड गैस आपको डन कर क्लिक करिए, डन पर क्लिक करिए यहाँ पर बैक जलाएं, एंड गैस आपको क्या है टेम्परेचर को यहाँ पर आपको एक बार प्लस कर देना है, और गैस आपको टेंट को ही यहाँ पर आपको माइनस ही रखना है, तो माइनस से आपको 8 रखना है, एंड गैस आपको वाइब्रेंस को इस तरह से आपको हल्का से यहाँ पर माइनस रखना है, तो माइनस आपको यहाँ पर 7 रखना है, एंड गैस आपको सेचुरेशन को यहाँ पर हल्का सा प्लस करना है, तो प्लस आपको ज़्यादा नहीं आपको 1-2 के आसपास रखना है, एंड गैस आपको ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करें, तो ये रहा ब्राइटनेस टूल, आपको ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करें, एंड गैस आपको ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करिए, ब्राइटनेस की टूल पर आपको कहना है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर हल्का सा माइनस करना है, तो माइनस आपको 8-6 रहना है, एंड गैस आपको हाईलाइट्स को प्लस ही रखना है, तो प्लस आपको ज़्यादा नहीं यहाँ पर आपको 20-22 रखना है, और गैस आपको कहना है यहाँ पर आपको शैडोज़ को आपको प्लस ही रखना है, तो प्लस आपको 10 रखना है, एंड गैस आपको व्हाइट्स को माइनस ही रखना है, तो माइनस आपको रखना है यहाँ पर आपको 19 रखना है, एंड गैस आपको ब्लास्ट को आपको रखना है यहाँ पर आपको 16 रखना है, एंड गैस आपको इसी टूल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको इसी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर को पहले आपको हल्का सा प्लस करना है, आपको ज़्यादा नहीं आपको 10 के आसपास रखना है, एंड गैस आपको क्लाइट को प्लस नहीं करना है, आपको माइनस ही रखना है, तो माइनस आपको रखना है यहाँ पर 15 के आसपास, तो माइनस आपको 15 के आसपास रखना है, एंड गैस आपको कहना है यहाँ पर आपको जो बिगिन को हल्का सा यहाँ पर माइनस करें, और गैस आपको मिड पॉइंट को भी इस तरह से माइनस करें, और यहाँ पर क्या करना है मिड पॉइंट को इस तरह से माइनस करना है, और फेदर को इस तरह से प्लस करना है, फेदर को 100 प्लस करना है, फेदर 100 प्लस नहीं आपको रखना है आपको 82 रखना है, और राउंडनेस को हल्का सा यहाँ पर प्लस करना है, तो गैस आपको क्या है यहाँ पर इसी टूल पर क्लिक करिए, यहाँ पर हल्का सा 7 मिनट को भी प्लस कर देना है, यहाँ पर 7 मिनट को आपको हल्का सा प्लस कर देना है, तो गैस यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो एडिटिंग पूरा हो चुकी है, तो ये रहा V4 एंड आफ्टर बहुत बड़ी एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आपको बढ़िया चलेगी, बढ़िया लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब तक सही उनको मिस ना रहे, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बस का नाम ले, तो चले गए मिलते हैं अगले वीडियो में।